जिया ने अविनाश से सब क्लियर क्लियर कर दिया है और जिया को काफी ज्यादा डर लग रहा है कि वो एलिमिनेट हो जाएगी इस बार। अगर वो हो गई तो कोई भी ग्रजेस या किसी के लिए भी बुरी चीजें वो दिल से लेके यहाँ से जाना नहीं चाहती है, इसीलिए अविनाश से जो है वो पूरी बातें क्लियर कर रही है कि भाई तूने ऐसा क्यों किया, तू मेरा दोस्त था ना, तू मुझे अगर तुझे ये बातें बुरी लग रही थी तो मुझे बोल सकता था, इतना तो मैंने हक दिया था, तू मेरा पहला दोस्त था और मैं तुझे इंपॉर्टेंट देती थी, तूने मेरे साथ इतना किया इसीलिए मैं इतना ज्यादा हर्ट हुई, तो मैं दोस्त नहीं मानती, तूने ऐसा किया तो मैं हर्ट भी नहीं होती, मैं इतना ज्यादा रोई, वहां पर पलक ने भी नहीं समझा, मैं तुम दोनों को समझती थी कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। तो वहां पर अविनाश जो है इतनी सारी बातें कि नहीं मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था, एक जगह पर अविनाश बोल रहे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू पलक से बात कर रही थी, एक जगह पर बोलते हैं कि मैं एक दिन अकेले बैठा था और वहां पर तू और पलक बात कर रहे थे, मैं अकेले बैठा था तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा कि मैं जाके इवन पलक को भी बोलने वाला था कि जिया को मैं अभी जाके बोल दूंगा कि मैं तुम्हारा सेकंड ऑप्शन नहीं बनना चाहता। मतलब एक जगह पे जलन भी दिखा रही है, एक जगह पे बोल रही है जिया को कि भाई मैं तुम्हारा दोस्त ही हूं और ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ पर कोई गेम नहीं खेल रहा, पर मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड आंसर दे रही है। भाई जिया सेटिस्फाइड हुई होगी पर मैं अविनाश की बातों से सेटिस्फाइड नहीं हुई हूं। अविनाश जो है यहां पर बोल रहे कि गेम खेल नहीं रहे हैं पर वो गेम खेल रहे हैं, अगर वो गेम नहीं खेल रहे तो उनका अगर ये नेचर है तो ये नेचर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आप अपना बताइए, आपका क्या विचार है, मेरे तो अपना बता दिया। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।